आज महिला कर्मचारियों का अधिवेशन है जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और आप देखिए बहुत ही सशक्त तरीके से ये आज सम्मेलन शुरू हुआ है जहां 13 लाख भारतवर्ष में रेलवे के कर्मचारी हैं उनमें करीब करीब 1 लाख महिला कर्मचारी हैं। तो आज वहाँ पर बात करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और किस तरह से वे अपने आप को सशक्त करते हुए और महिलाओं के महत्व को हर सेवा में स्थापित करने में और यूनियन के लिए यूनियन की समस्याओं को और ख़ुद महिला की समस्याओं को सामने रखेंगे। मैं इन्हें अपनी शुभ कामनाएं देती हूं। इस तरह से ये सभी कर्मचारी एकजुट हैं, निश्चित रूप से उनके आवाज़ को बल मिलता है और सरकार भी संवेदनशील है। आज हमारे पीयूष गोयल जी आ रहे हैं जो मंत्री हैं और हर तरह से महिलाएँ और रेलवे में कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए जो आवश्यक होगा वो करें।